चलो बच्चों खाना शुरू करो। वो तीखा खाना, कोई मत खाओ खाना। बहुत मीठी है इसमें। हमें नहीं खाना ये खाना। अच्छा नहीं है ये खाना, हम नहीं खाएंगे इसे। हम नहीं खाएंगे। अगर आज के दिन ये बिना खाना खाए यहाँ से जाएंगे तो बहुत बड़ा अपशगुन होगा। ये बता रहे हमारी रक्षा करना। बहुत मीठी है इसमें। हाँ हाँ बहुत मीठी है। हमें नहीं खाना ये खाना। अच्छा नहीं है ये खाना। ऐसा नहीं कहते। खाने को कभी ना नहीं कहते। मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाती हूँ। अगर पसंद ना आए तो मत खाना, ठीक है? माँ ने कहा था कि राम जी ने रावण को दशहरे के दिन मार दिया था, तभी भलाई हारी थी और इस बार भी अच्छाई ही जीतेगी। भाई ये तो समय ही बताएगा कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। भक्त जब शिकायत लेकर माँ काली के पास पहुँचे तो उन्होंने कहा, वह असुर अभी बालक है, मेरे क्रोध का सामना नहीं कर पाएगा, इसलिए अच्छा यही होगा कि आप लोग स्वयं उसे समझाने की कोशिश करें। अगर वो अपनी भूल सुधार लेता है और सही रास्ते पर आ जाता है तो हम उसे उसकी पुरानी गलतियों के लिए भी क्षमा कर देंगे। वो जो उसने पवित्र अग्नि में गंदी गंदी चीजें डाली थी उसके लिए भी? हाँ बेटा, उसके लिए भी। भगवान का दिल बहुत बड़ा है और वो अपने भक्तों को सही राह दिखाने के लिए उन्हें बहुत सारे अवसर देते हैं। माँ काली के समझाने पर बहुत से ऋषि मिलकर उसके पास गए और उसे प्यार से समझाने की कोशिश की, पर उसने उनकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया और उल्टा उन्हें बंदी बना लिया और लगे उन्हें सताने। भक्तगणों ने पूरे मन से माँ काली का ध्यान किया। तपस्या में बैठी माँ काली का ध्यान टूटा। उन्होंने आंखें खोलकर अपने भक्तों की दुर्दशा देखी। Thank you.
और इसी तरह एक बार फिर बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। बहुत अच्छी कहानी थी माँ, और एक सुना ना। नहीं बेटा, अभी बहुत सारा काम बाकी है, तुम दोनों मिलकर जाकर खेलो ना। रुद्र बेटा, नवेली बेटा। नाना जी, माँ देखो नाना जी आए। रुद्र बेटा चलो, हम भी नाना जी से मिलकर आते हैं, ठीक है? चलो। प्रणाम। जीत रखो बेटा। अरे अरे अरे, आ गई मेरी बिटिया। जीत रहो बेटा। नाना जी, आप इतने दिनों बाद क्यों आए? आपको हमारी याद नहीं आई? पता हम आपको कितना मिस कर रहे थे। मुझे भी बहुत याद आ रही थी मेरी बिटिया की। रुद्र बेटा, क्या ढूंढ रहे हो आप? आप हमारे लिए कुछ नहीं लाए? ये मेरी बिटिया के लिए और ये तुम्हारे लिए। ये तो मेरे पास पहले से ही है। रुद्र, थैंक यू बोलो बेटा। थैंक यू नाना जी। नाना जी, आपको पता है कल क्या है? क्या है? कल हमारा जन्मदिन है। अरे वाह, फिर कल तो आप दोनों बहुत बड़े हो जाओगे। कल आप हमें बहुत सारे गिफ्ट्स देंगे ना? रुद्र, अभी नाना जी ने तुम्हें ये कार दी ना, फिर तुम्हें और गिफ्ट्स क्यों चाहिए? हुँ? मैं चलता हूँ, कल की कुछ तैयारियां बाकी हैं। जी। श्री बेटा, पुजारी जी का ख्याल रखना। जी माँ जी। मिलते हैं। रुद्र बेटा और नवेली, चलो बेटा तुम दोनों जाकर अपने कमरे में खेलो, नाना जी को आराम करने दो। चलो उठो। एक मिनट बच्चों। मेरी रानी बिटिया इतनी सुंदर है कि किसी की नजर न लग जाए इसलिए। जाओ अब जाकर खेलो। ये सब कुछ क्या है? श्री बिटिया, कल बच्चों का छठा जन्मदिन है, और भूल गई कंगना ने तुझे क्या चुनौती दी थी? बिल्कुल भी नहीं भूली, बल्कि इन 6 सालों में ऐसा एक भी दिन नहीं गया होगा जब मैंने उस बात को याद नहीं किया होगा। लेकिन उस बात से डरने के बजाय मैंने उसे ही अपने बच्चों की परवरिश का आधार बनाया है। मैंने अपने बच्चों को प्यार और दुलार के साथ साथ अच्छे संस्कार भी दिए हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि इन दोनों में से जिसमें भी कंगना का अंश होगा, वो अंश हमारे परिवार के प्यार से मिट जाएगा। भगवान करे ऐसा ही हो बिटिया। पर अभी अभी ये कलश जो मैंने बच्चों के इर्द गिर्द घुमाया, अगर कल सुबह इसका पानी काला हो जाता है, ये समझ लेना कि बच्चे में अभी भी कंगना की नफरत का अंश है। और हरी बाबू की जान को खतरा है। नहीं बाबू, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि वो दोनों अपने पापा से बहुत प्यार करते हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाने के बारे में कभी नहीं सोचेंगे दोनों। मैं जानता हूँ श्री बिटिया, पर फिर भी अपने मन की तसल्ली कर लेना चाहता हूँ। ये कलश यहीं रहेगा, कल सुबह इसे खोलेंगे और तब तय होगा कि हमें आगे क्या करना है।
गुड़िया हिल मत ना, तेरी चोटी फिर से खराब हो जाएगी। वाह की अच्छी डाल है, मुझे भी दिखा। मर्जी, मैं कुछ भी करूंगा। अच्छा तो मैं माँ को भी बता के आती हूँ। रुद्र, ये तुम क्या कर रहे हो बेटा? ये बहुत गलत बात है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। चलो सॉरी बोलो। अरे भाभी, रुद्र ये क्या कर रही हैं आप? क्यों डांट रही हैं मेरे बच्चे को? निकी, ये बहुत शरारती हो गया है। अभी अभी इसने नवेली की चोटी खींची। नहीं, मैंने नहीं खींची। मुझे पता है बेटा, मेरा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता। क्यों कर रही हैं आप ऐसा भाभी? बच्चों के नाम पर झूठ क्यों बोल रही हैं? निकी, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? क्योंकि श्री ने मुझे बेटा दिया और आप दोनों को बेटी। अरे, लेकिन उसका गुस्सा इस बेचारे बच्चे पर क्यों? निकी, तुम तो खामखा बात को तूल दे रही हो। हाँ, मैं तो हमेशा से ही गलत हूँ ना। दूध की धुली तो सिर्फ आपकी पत्नी है। निकी, मैं इस बारे में तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। डैनी से कहो कि चुप हो जाए। निकी, हाँ, तो मुझे ही चुप कराना। रहने दीजिए ना आनंद भाई, आप नवेली को किस तरह से पालते हैं जब हम इस बात पे कोई सवाल नहीं करते, तो रुद्र को लेके हम ये बहस क्यों करें? डैनी, समझ रहा हूँ कि तुम किसकी जबान बोल रहे हो, ये भी समझ रहा हूँ कि तुम दोनों रुद्र पे इतने मेहरबान क्यों हो रहे। अच्छी तरह समझ रहा हूँ। हमारे प्यार और दुलार में भी सब काला नजर आता है ना आपको? अरे, आप दोनों को तो मेरा एहसान मंद होना चाहिए कि आज मेरी वजह से कोई बच्चा तो है आपके जीवन में, नहीं तो इस बच्चे के प्यार के लिए जिंदगी भर तरस जाते आप लोग। चुप हो जाओ निके। हाँ, आप मुझसे बहस नहीं करना चाहते, आप इन्हें समझाइए ना कुछ। आप लोग झगड़िए नहीं, प्लीज। नहीं बेटा, हम झगड़ा नहीं कर रहे। हाँ नहीं बेटा, हम झगड़ा नहीं कर रहे। ये सब क्या हो रहा है? मैं कब से देख रही हूँ, अरे बच्चे दिन में 100 बार झगड़ा करते हैं और 100 बार एक हो जाते हैं, पर एक बार बड़ों के दिल में दरार पड़ गई ना तो उसको मिटाने के लिए पूरा जीवन चला जाता है। बहुत हो चुका, अब दोनों भाई एक दूसरे के गले लगो और माफी मांग लो और वादा करो कि आइंदा कभी दोनों झगड़ा नहीं करेंगे। चलो। दादी, मैं कभी रुद्र भाई से झगड़ा नहीं करूंगी। प्रॉमिस। देखा तुम दोनों ने, ये छोटी बच्ची मेरी बात समझ गई। और तुम दोनों, प्लीज छोटी बा, इस मामले में जबरदस्ती मत कीजिए, प्लीज। जाने दीजिए छोटी बा, जहां दिल मिले हुए ना हो
वहां हाथ मिलाने से कोई फायदा नहीं। चलो बताओ। ये आवाज़ें कैसी? हो रही है श्री, भूल गई तेरे बच्चों के छठे जन्मदिन पर मिलने का वादा था हमारा। बस एक दिन और श्री, कल मैं तेरी जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद कर दूंगी। कल मैं तेरी जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद कर दूंगी।